कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय। आज हम हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे। हमने हिंदी विषय में पार्ट 9 से लेकर पार्ट 14 तक के अभ्यास किया था, तो उनमें हम अब रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 9 में देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हम सभी पार्ट में सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा यानी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे, तो उस पर आपको ध्यान देना है। एक, नैया किससे बनी है? तो नैया कागज़ से बनी है। जब हम छोटे थे तब नैया किसकी बनाते थे? नैया यानी नाव। नाव किससे बनी है? तो कागज़ से। नाव क्या करेगी? तो नाव तैरेगी। शेयर कौन करेगा? तो शेयर कौन करेगा? तो शेयर भैया करेगा। खेवैया कौन बनेगा? तो खेवैया भैया बनेगा। नैया कहाँ तैरेगी? तो नैया पानी में तैरेगी। उसी प्रकार से पार्ट 11 जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक, तोते का नाम क्या रखा? तो तोते का नाम क्या रखा था? तो तोते का नाम क्या था? मोती रखा था। मोती क्या मचाता था? तो मोती शोर मचाता था। शोर यानी आवाज़। मोती शोर मचाकर क्या कहता था? मोती शोर मचाकर क्या कहता था? तो पकड़ो चोर चोर चोर। मोती शोर मचाकर पकड़ो चोर चोर ऐसा कहता था। मोर कब नाचता है? तो जब आसमान में काले बादल देखता है तब मोर नाचता है। आसमान में काले बादल देखता है तब वह नाचता है। बादल कैसे हैं? तो बादल कैसे हैं? काले काले घनघोर। काले काले घनघोर। मोर कैसे नाचता है? तो मोर जोर जोर से नाचता है। मोर कैसे नाचता है? जोर जोर से। यहाँ मोर कब नाचता है? तो आसमान में काले बादल देखता है तब नाचता है। लेकिन मोर कैसे नाचता है? तो जोर जोर से नाचता है। इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर आएंगे। अब हम पाठ 13 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जंगल में क्या है? तो जंगल में क्या है? तो बंदर है। बंदर को क्या खाने के लिए कहा है? तो बंदर को केला और अंगूर खाने के लिए कहा है। क्या खाने के लिए क्या कहा है? केला। बंदर को केला बहुत पसंद है, उसके साथ उसे अंगूर खाने के लिए कहा गया है। बंदर क्या करता था? तो बंदर दंगल करता था। दंगल यानी झगड़ा। बंदर दंगल यानी झगड़ा करता था। अब हम पाठ 14 में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक, गांव में क्या था? तो गांव में क्या था? पेड़ यानी वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कौन रहता था? वृक्ष के नीचे कृषक यानी किसान रहता था। कृषक यानी किसान। शोरगुल कौन करता था? तो शोरगुल कौवा करता था। कौन करता था? कौवा। कृषक दुखी क्यों था? तो कृषक दुखी था? तो कौवे के शोरगुल से कृषक यानी किसान दुखी था। चांदनी रात को कौन आया? तो चांदनी रात को चोर आया। कौन आता है? चोर आता है। कौवे ने चोर को कैसे भगाया? तो कौवे ने अपनी काव काव से अपनी काव काव आवाज़ से चोर को भगाया। कृषक ने कौवे को क्या खिलाया? तो कृषक ने कौवे को क्या खिलाया? खाना खिलाया। इसी प्रकार आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो उसकी आपको पढ़ाई करनी होगी। अब हम पाठ में पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पाठ 9 में पर्यायवाची शब्द। नैया, नैया का अर्थ क्या होगा? नाव। भैया, भैया यानी भाई। खेवैया, खेवैया यानी नाव चलाने वाला नाविक। खेवैया यानी नाव चलाने वाला नाविक। तैरेगी, तैरेगी यानी तैरना चलाना। शेर,
यानी घूमना, शहर यानी घूमना। अब है खाली जगह भरो। कागज़ की क्या थी? तो नैया है। कागज़ की क्या है? तो नैया है। भैया क्या बनेगा? तो खेवैया यानी नाविक बनेंगे। शेयर करेंगे, कौन शेयर करेगा? तो भैया यानी भाई शेयर करेंगे। तैरेगी मेरी क्या तैरेगी? तो नैया यानी नाव। अब है समान लय वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ समान लय वाले शब्दों का मिलान करना है, जैसे नैया तो भैया, यानी समान तुर्क वाले शब्द भी कहा जाएगा। नैया यानी भैया, खेवैया तो सेवैया, करेंगे तो मरेंगे, शेर बैर। इस प्रकार जो लय वाले शब्द है समान तुर्क वाले उसे आपको जोड़ना है। पाठ 10 में समान लय वाले शब्दों का मिलान करना है, जैसे शोर तो मोर, जोर चोर, जब तब, लाया गया, मोहन रोहन, सोना और रोना, इस प्रकार उसे जोड़ना है। हम पाठ 12 में समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द देखेंगे। नौका, नौका यानी नाव, नैया, होले होले, होले होले का क्या मतलब होगा? धीरे धीरे। डोले यानी हिलना, बैठा तो बैठना, चौथा यानी चार, दाव यानी नंबर, चौथा यानी चार और दाव यानी नंबर, इस प्रकार उसके समान अर्थ है। अब पाठ 14 में पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। वृक्ष यानी पेड़, कृषक यानी किसान, वृषभ यानी बैल, कृषक, कृषक यानी किसान, वृषभ यानी बैल, छह यानी छः, कौवे यानी कौवा, प्रातः यानी सुबह, शोरगुल यानी शोर मचाना, आवाज करना, घृणा यानी नफरत, गुस्सा, मृदु यानी कोमल। अब है शब्दों को अलग करके लिखो। यहाँ पाठ 9 में शब्दों को अलग करके हमें लिखना है, जैसे कागज, कागज में का घन, ग घन, ज कागज, करेंगे तो क घन, रे घन, गे, खेवैया तो खे घन, वे घन, या। इसी प्रकार जो दूसरे शब्द है उसे भी आपको अलग करके लिखना है। आगे हमने शब्दों को अलग करके लिखा, अब हमें शब्दों को जोड़कर लिखना है। तो शब्दों को जोड़कर लिखेंगे। न घन खड़ी रेखा दो मात्राएं, घन क घन खड़ी रेखा, तो क्या शब्द बनेगा? नौका। इसी प्रकार ह घन खड़ी रेखा घन ल घन क, तो क्या बनेगा? हालक। ये जो शब्द दिए गए हैं उसमें जो शब्द है वो अलग अलग करके घन डाल के लिखा गया है, तो उसे आपको जोड़कर इस प्रकार से लिखना है। अब हम पाठ 13 में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी खाली जगह दी गई है। चंचल खाली जगह चल, तो कहाँ चल? जंगल चल। जंगल में क्या है? तो बंदर है। चंपक बंदर, कौन बंदर है? चंपक बंदर। केला अंगूर खा ले, बंदर को क्या खाने के लिए कहा गया है? केला और अंगूर। उसी प्रकार यहाँ शब्दों को जोड़कर लिखना है। जंग घन ग घन ल, तो जंगल। अ घन गु घन र, तो अंगूर। ये जो शब्द दिए गए हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं, तो उसे आपको इस प्रकार से जोड़कर लिखना है। अब है सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ एक बाजू चित्र दिया गए हैं और उसका नाम दिया गया है, तो उसके साथ आपको सही जोड़ मिलाने हैं। जैसे ये आम का चित्र है, तो आम, कमल, पेड़, नैया और सूरज, इस प्रकार से। और भी आपको चित्र दिए गए होंगे तो उस चित्र को आपको पहचान के उसके सही जोड़ मिलानी है। अब है दिए गए चित्रों का नाम लिखो। यहाँ चित्र दिए गए हैं उसके नाम लिखना है, जैसे अंगूर, कंघी, चूड़ी, पेड़, पेड़, बैंगन, इस प्रकार से कोई भी चित्र दिया होगा उसका नाम पहचान कर आपको उसे लिखना है। ठीक है, थैंक यू।